नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है 2021 के दौरान, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमें पता है हम जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और जॉब रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैं अब तक लेके आ रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 में 1150 वैकेंट पोजिशंस जो ग्रामीण डाक सेवक की हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज के स्टूडियो में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है पिछले कुछ दिनों से हम जॉब और करियर के बारे में ही सोच रहे हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ जॉब मिल सके, इसलिए हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों का मेरा सलाम और आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 1150 वैकेंट पोजीशंस हैं ग्रामीण डाक सेवक की इंडिया पोस्ट में, उसके बारे में आज ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले, जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके लिए मेरा दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक आपने ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना भूले मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही में जो यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहेंगी, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे और एक दरख्वास्त है, वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपके दिमाग में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी सवाल है, उस पूरे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए आज का ये वीडियो, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल इंडिया पोस्ट में जो 1100 ग्राम डाक सेवक की पोस्ट है उसके बारे में। तो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमें पता है इंडिया पोस्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तेलंगाना पोस्टल सर्कल में, तेलंगाना मीन्स जो आंध्र प्रदेश का पहला पार्ट था तो तेलंगाना भी स्टेट हो गया है, तो इस तेलंगाना पोस्टल सर्कल में 1150 ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट हैं वो जगह भरने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका ये ऐड है, हमें इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ग्रामीण डाक सेवक GDS जिसको बोलते हैं, वो 1150 जो तेलंगाना स्टेट में भरने वाले हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, देखते हैं क्या है पोजीशन, क्या है एज, क्या होगा क्वालिफिकेशन और ये सभी बातें आज यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखेंगे क्या है टोटल पोस्ट है 1150 इस दौरान, जो इस ड्राइव हो रहा है रिक्रूटमेंट ड्राइव, उसके दौरान 1150 पोस्ट फिल किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो एज लिमिट है इसके लिए 18 से लेकर 40 तक, ये एज लिमिट है 18 से लेकर 40 तक। अगर आप इस उम्र में, इस कैटेगरी में बैठते हो, रेंज में आते हो, तो आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई 18 नवंबर 2021, डेट काफ़ी नज़दीक है। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए और इस पोस्ट के लिए जो GDS है ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई करें। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 18, एज है 18 से 40 और टोटल पोस्ट है 1150, याद रखिएगा। उसके बाद ये है ऑफिशियल वेबसाइट उनका, जहाँ जाके हमें इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे वेबसाइट को विज़िट करेंगे। अगर हम वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर ये लेके जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरना है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन भरना है और उसके बाद ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो देखते हैं हम कैसे होगा लॉगिन। अगर उस इस पर हम क्लिक करेंगे जो दिया हुआ लिंक है, तो यहाँ पे ये पूरा वहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख सकता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्टेजेस है ये, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश में 2296 पोस्ट है और तेलंगाना में है 1150, आंध्र प्रदेश में 2296 और तेलंगाना में आ रहे हैं 1150 पोस्ट के लिए किया जाएगा। इस यहाँ पे तीन स्टेप्स में आपको एप्लीकेशन करना है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन होगा, या रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं।
रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉरगॉट हुआ तो, उसके बारे में भी यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड स्टेप में आपको फ़ी पे करना है, वो भी ऑनलाइन ही पे करना है। थर्ड स्टेज में आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखेगा। तो इस प्रकार की प्रोसीजर फॉलो करके हमें अप्लाई करना है। इसके बारे में अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन, अगर आपको आंध्र प्रदेश का नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, तेलंगाना का देखना है तो तेलंगाना का यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है, अगर इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, और कुछ भी मेल कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। तो ये है पूरा प्रोसीजर, मुझे लगता है आपको इस प्रोसीजर ये प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसके द्वारा आपको अप्लाई करना है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जब भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस दौरान दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो मेरा ये वीडियो आप लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। डेट काफ़ी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ को हम और बेहतर बना सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो जो रेलवे में इंडिया पोस्ट में रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, आने वाले वीडियो में हम और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।